प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स, और इससे पहले हमने क्लासिकल मैकेनिक्स भी पढ़ी है। आज एक ऐसा ही जनरल क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, दो या तीन नंबर में, और वैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर इंटरव्यू में ज़रूर पूछ लेते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स जो दोनों आपने पढ़ी हैं, क्या आप बता सकते हैं कि इनमें अंतर क्या है। ठीक वही चीज़ आज हम जानेंगे जो आपके एग्जाम्स में भी हेल्प करेंगे और आपको इन दोनों का अंतर भी पता चल जाएगा। इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और लेंगे हम, जो क्लासिकल मैकेनिक्स में भी यूज होता है और क्वांटम मैकेनिक्स में भी, यानी कि ऑब्जर्वेबल्स क्या होते हैं और क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में ये किस तरह से डिफर हैं, कैसे इनमें अंतर हैं, वो हम आज चर्चा करेंगे। लिख भी देता हूं, क्लासिकल मैकेनिक्स वर्सेस क्वांटम मैकेनिक्स, या क्वेश्चन सीधा पूछें कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। तो वन बाय वन करके हम इनकी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि ये ऑब्जर्वेबल्स क्या होते हैं, ये पता होना चाहिए, फिर हम इनकी बात करेंगे। चलिए पहले मैं इन्हीं की बात करता हूं। जैसे कि मान लो आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आपने मेजरमेंट्स की होंगी, तो कोई रिजल्ट आपको मिला होगा, कोई नंबर आपको मिला होगा। कोई ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, तो वहां से भी रिजल्ट के दौरान आपको कोई नंबर मिला होगा, जो रियल नंबर, जिसे हम रियल एंटिटी कहते हैं, उसे ही कहते हैं ऑब्जर्वेबल। यानी कि ऑब्जर्वेबल क्या हुआ, एन ऑब्जर्वेबल इज ए रियल एंटिटी, कोई नंबर है, लिख लीजिएगा, नोट साथ साथ जरूर बनाइएगा प्यारे बच्चों। अगर आपको फुल कॉन्फिडेंस चाहिए, अच्छी तैयारी करनी है, तो पेन कॉपी लेके नोट्स बनाएं। हालांकि इसी फॉर्मेट में नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो आपकी काफी हेल्प करेंगे। रिप्रेजेंटेड मतलब जिसको किस चीज से दर्शाते हैं, कि नंबर की फॉर्म में हम दर्शाते हैं। In form of a number obtained, जो कहां से मिलते हैं ये हमें, from actual observations, कोई observations कर रहे हो, किसी चीज को आप देख रहे हो, वहां से एक number मिल रहा है, कोई गाड़ी जा रही है, किस स्पीड से जा रही है, किसी बॉडी की पोजीशन क्या है, किसी बॉडी पर फोर्स कितना लग रहा है, ये तमाम जो एक नंबर हमें मिलता है ऑब्जर्वेशंस के दौरान, और एक्चुअल मेजरमेंट, किसी प्रैक्टिकल जब आप कर रहे हैं तो उस दौरान जो नंबर मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है नंबर की फॉर्म में, उसे ऑन ए फिजिकल सिस्टम। तो प्यारे बच्चों, देख लिया कि ऑब्जर्वेबल होता क्या है। क्लासिकल मैकेनिक्स में भी ऑब्जर्वेबल का जिक्र आता है और क्वांटम मैकेनिक्स में भी, लेकिन इन दोनों में जो डिफरेंस जरूर है, आज हम ये जानेंगे कि भी क्लासिकल मैकेनिक्स में जो ऑब्जर्वेबल होते हैं और जो क्वांटम मैकेनिक्स में, इनमें अंतर क्या है, साथ में दूसरे जो डिफरेंस हैं हम उनकी भी बात करेंगे। तो चलिए आप एक बार ये स्टेटमेंट लिख लीजिए ऑब्जर्वेबल की, फिर हम देखेंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स में और क्वांटम मैकेनिक्स में किस तरह से ऑब्जर्वेबल्स का डिफरेंस होता है। द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट डज नॉट डिस्टर्ब सिस्टम। इसका मतलब प्यारे बच्चों देखिए क्या होता है, कि जब हम कोई मेजरमेंट्स कर रहे हैं, तो जिस प्रोसेस से कर रहे हैं, तो वो उस सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करता,
कोई चीज़ जा रही है, गाड़ी जा रही है, गाड़ी जा रही है, आप यहाँ से मेजरमेंट कर रहे हैं, कोई बॉल मूव कर रहा है, आप उसकी स्पीड देख रहे हैं, तो इससे उस सिस्टम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स हम देखेंगे मैक्रोस्कोपिक लेवल के जो पार्टिकल्स हैं, जो बड़े साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं, बॉडीज होती हैं, उनसे डील करती है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ही माइन्यूट छोटे पार्टिकल्स से डील करती है। इसलिए जब उनकी मेजरमेंट्स कर रहे हैं तो जो मेजरिंग प्रोसेस है वो उस सिस्टम को डिस्टर्ब भी कर देता है। यानी कि जो पहला डिफरेंस आप देख रहे हैं भाई, ऑब्जर्वेबल्स की ही हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन ये भी है डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स, साथ साथ में ऑब्जर्वेबल्स की भी बात आ गई है, क्योंकि दोनों में ही ये मेंशन होते हैं, दोनों में ऑब्जर्वेबल्स आते हैं, तो हमें अंतर देखना होगा। तो देखिए, पहला प्रोसेस तो हमने देखा कि जो प्रोसेस है मेजरमेंट का वो सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं है। यहां हम लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट डिस्टर्ब द सिस्टम। ऑल द ऑब्जर्वेबल्स आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम, मतलब जो जिस चीज की आप मेजर कर रही है उसी की करैक्टरिस्टिक्स हैं, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन मेजरिंग डिवाइस। देखिए प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये निकलता है, क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर किसी सिस्टम की कोई मेजरमेंट्स कर रहे हो तो चाहे किसी भी डिवाइस से उस चीज़ को मेजर कर लीजिए, सेम रिजल्ट आएगा, क्लासिकल मैकेनिक्स ऐसा कहती है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं है, उसमें अगर डिफरेंट डिवाइस से कोई चीज़ मेजर कर रहे हो तो जो ऑब्जर्वेबल्स होंगे वो डिफरेंट आएंगे, यानी कि जो ऑब्जर्वेबल्स हैं वो फिजिकल जो हमारा सिस्टम है उसके साथ साथ जो मेजरिंग डिवाइस है उसकी भी करैक्टरिस्टिक्स है। यानी कि यही तो यहां हम लिख रहे हैं कि ऑल द ऑब्जर्वेबल्स आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ भाई सिस्टम के तो करैक्टरिस्टिक्स हैं ही, एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी मेजरिंग डिवाइस। जिस डिवाइस से माप रहे हो तो उस पर भी डिपेंड करता है, उससे भी वो अलग अलग आएंगे क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल्स के लिए, या यूं कहिए कि क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, एंड डिपेंड्स ऑन द मेजरिंग डिवाइस। यानी कि ये जो करैक्टरिस्टिक्स होंगी, जो ऑब्जर्वेबल्स आएंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, वो दोनों पर डिपेंड करेंगे, सिस्टम पर तो करेंगे साथ में जिस डिवाइस से आप मेजर कर रहे हो उस पर भी। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसा नहीं है, कोई मेजरमेंट्स कर रहे हो तो वो सिस्टम की ही करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो रिजल्ट है वो है, मेजरिंग डिवाइस चाहे कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेसिकली डिफरेंस हैं जो आपको बताने हैं। चलिए और देख लेते हैं, डिफरेंट ऑब्जर्वेबल्स कैन बी मेजर्ड विद मैक्सिमम एक्यूरेसी। प्यारे बच्चों, क्लासिकल मैकेनिक्स में जो डिफरेंट टाइप जो ऑब्जर्वेबल्स हैं, जो हम मेजरमेंट्स कर रहे हैं, उन्हें हम चाहे तो मैक्सिमम एक्यूरेसी से मेजर कर सकते हैं, लेकिन जैसे कोई बॉल जा रहा है उसकी पोजीशन, उसका मोमेंटम हम माप सकते हैं मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होता। क्वांटम मैकेनिक्स में अगर किसी पार्टिकल की आप पोजीशन और मान लो उसकी मोमेंटम एक साथ मेजर कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली मेजर कर रहे हैं, मतलब एक्यूरेसी के साथ नहीं माप सकते, उनमें कुछ ना कुछ एक साथ एरर जरूर रहेगा, ये तो फंडामेंटल एरर रहेगा उसके अंदर,
ये हैसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ये बात आती है, यानी कि इसमें हम ये चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स के केस में। ये बात मैंने बताई है आपको क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए, लेकिन अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो हम ये लिखेंगे कि साइमल्टेनियस मेजरमेंट ऑफ कंजुगेट वेरिएबल्स, जैसे मैं बात करूं आपसे सच एज पोजिशन एंड मोमेंटम। अगर आप चाहें कि भाई हम पोजिशन किसी पार्टिकल की पोजिशन और मोमेंटम एक्यूरेटली माप लें तो संभव नहीं है। या फिर जैसे और अगर हम बात करें एनर्जी, आपने पीछे पढ़ा है ये सारी चीज़ें, एनर्जी एंड टाइम हैव फंडामेंटल एरर, जरूर एरर मिलेगा उसमें। अगर एक साथ पोजिशन एंड मोमेंटम माप रहे हैं तो उन दोनों में एरर जरूर मिलेगा। एक की एक्यूरेसी बढ़ाने की कोशिश करोगे तो दूसरे की एक्यूरेसी में वो कमी आ जाएगी, उसमें एरर बढ़ जाएगा, लेकिन एरर जरूर रहेगा एक साथ अगर इन दोनों को मेजर कर रहे हैं, एनर्जी और टाइम को कर रहे हैं, या इस टाइप से अकॉर्डिंग टू। और किसके मुताबिक है, किसने बताई थी ये बात, अकॉर्डिंग टू हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या है कि कोई भी मेजरमेंट्स कर रहे हो तो उन्हें हम मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ माप सकते हैं, इनके ऑब्जर्वेबल्स ऐसे हैं। तो प्यारे बच्चे ये है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, अभी हम कुछ और डिस्कस करेंगे। और जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई डिफरेंस बताइए क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में, तो इस तरह से वन बाई वन करके आप डिफरेंस बता सकते हैं। ये रटने की बात नहीं है, आप अपने दिमाग पर जोर लगाइए कि आपने क्लासिकल मैकेनिक्स भी पढ़ी है, आप क्वांटम मैकेनिक्स भी पढ़ी है, तो इन दोनों में क्या आपको नज़र आ रहा है, अंतर क्या नज़र आ रहा है, वो लिख दीजिए बस। और एक बार इनको देख लोगे तो फिर ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे और मैक्सिमम स्कोरिंग भी आप कर पाएंगे। तो चलिए और अंतर देख लेते हैं। The observables, देखिए भाई, ऑब्जर्वेबल्स जैसे लाइक पोजिशन कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स की हम बात कर लें, या फिर कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम की बात कर लें, या फिर टोटल एनर्जी, एनर्जी है सेम मीनिंग, सेम फिजिकल मीनिंग इन क्लासिकल मैकेनिक्स एज वेल एज क्वांटम मैकेनिक्स। जैसे अगर आप बात देखो पोजिशन कोऑर्डिनेट की, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में उसका वही मतलब है और क्वांटम मैकेनिक्स में भी उसका सेम मतलब है। लेकिन कुछ चीज़ें जो क्वांटम मैकेनिक्स में आते हैं फिजिकल क्वांटिटी, जैसे स्पिन की बात आती है या स्विट्री की बात आती है, इन चीज़ों का कोई इक्विवेलेंट पार्ट क्लासिकल मैकेनिक्स में देखने को नहीं मिलता। मैं यही बात लिखना चाह रहा हूँ, बट देर इज नो इक्विवेलेंस ऑफ स्पिन, जैसे मान लो मैं बात कर रहा था स्पिन, सिमिट्री एक्सेट्रा इन क्लासिकल मैकेनिक्स। मेरा मतलब समझे प्यारे बच्चों कि कुछ ऑब्जर्वेबल्स हैं, जैसे पोजिशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स की बात कर लें, या फिर कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम वगैरह, या टोटल एनर्जी वगैरह, जैसा क्लासिकल मैकेनिक्स में है वैसा ही क्वांटम मैकेनिक्स में, इनमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं कुछ चीज़ें जो सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स में आती हैं उसके जैसा, या कोई इक्विवेलेंट फिजिकल क्वांटिटी क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं होती, जैसे स्पिन है, सिमिट्री है, ये और भी हैं, लेकिन हम उनकी बात करें, अभी हम मोटे मोटे तौर पर डिफरेंस देखना चाह रहे हैं।
तो चलिए और हम बात कर लेते हैं एक डिफरेंस, जैसे शुरू में भी कहा था कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ये मोटे मोटे पार्टिकल्स, मोटे जो बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बड़े पार्टिकल्स होते हैं, बॉल है, गाड़ी है, हवाई जहाज है, जिनको हम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनसे डील करती है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स जो है ये बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, जैसे हमारे एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या उससे भी जो सब पार्टिकल्स हैं उनकी बात होती है, उनसे डील होती है। तो ये बहुत बारीक लेवल की बात है, माइक्रो लेवल की बात है, जबकि ये मैक्रो लेवल, ये लिख सकते हैं आप, पॉइंट लिख भी लीजिए, इट डील्स यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स, हम डिफरेंस डील्स विद द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स किससे डील करती है, इट डील्स विद द माइक्रोस्कोपिक स्कोपिक। एक और प्यारे बच्चों, जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ना ये सर्टेनिटीज पर आधारित है, बिल्कुल फिक्स एक्यूरेट सर्टेन, यानी कि इट डील्स विद द सर्टेनिटीज, जबकि हमारी क्वांटम मैकेनिक्स जो है ये संभावनाओं पर ज्यादा फोकस करती है, ज्यादा बेस्ड है, ज्यादा डील करती है, यानी कि इट डील्स विद द प्रोबेबिलिटीज। एक और प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें जैसे कोई पार्टिकल मोशन में है और हम क्लासिकल मैकेनिक्स के मुताबिक उस पार्टिकल को डिस्कस करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, मेजरमेंट्स करना चाहते हैं, तो इसमें हम ज़्यादातर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यूज़ करते हैं, उसमें भी न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जैसे एफ बराबर एम ए, अगर हम किसी पार्टिकल के मोशन की स्टडी करते हैं। लेकिन जब क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो इसके लिए जब किसी पार्टिकल के मोशन की बात करेंगे तो हम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज करते हैं, यानी कि इट, तो मैं इसको लिखूंगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर ये सेवंथ पॉइंट हम लिखेंगे। इन क्लासिकल मैकेनिक्स द मोशन ऑफ पार्टिकल इज गवर्न by Newton's laws of motion, यानी कि जो बात हम बात करते हैं F equal to ma, आमतौर पर यह Newton's second law of motion ही क्लासिकल मैकेनिक्स में यूज किया जाता है पार्टिकल के मोशन को डिस्कस करने के लिए, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स में, इन क्वांटम मैकेनिक्स, इन इट यानी मैं क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहा हूं, द मोशन ऑफ पार्टिकल इज गवर्न बाई द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, यानी कि इसमें हम बेस लेके चलते हैं स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लेके चलते हैं अपनी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को। इन इट द मोशन ऑफ पार्टिकल इज गवर्न by the Schrödinger equation। ये लिखते जाए बेटे, क्योंकि जो चीज़ें हमें याद आ रही हैं दोनों को चीज़ों को ध्यान में रख के, अच्छा क्लासिकल मैकेनिक्स में ये है, क्वांटम मैकेनिक्स में ये है, तो उनको लिख दो, वो डिफरेंस हो जाएंगे अगर आप दोनों चीज़ों को जानते हो इक्वेशन। और ये क्या है Schrödinger equation की, तो मास्टरी आपकी हो चुकी है, बहुत बार हम लोग यूज करते हैं, यही है ना साई, एंड इट इज इक्वल टू आई एच क्रॉस करली साई बाई करली टी। और यहां साई क्या है ये भी आप जानते हैं, साई इज द वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद मोशन ऑफ पार्टिकल।
समझ में आ गई प्यारे बच्चों कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स में है, जब पार्टिकल्स की, ऑब्जेक्ट्स की मोशन की बात करते हैं, तो उनकी कैलकुलेशन करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को यूज़ करते हैं, जबकि क्लासिक क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज करते हैं उन पार्टिकल्स के मोशन की स्टडी करने के लिए। फर्दर बिहेवियर, ऑफ पार्टिकल्स, मैं क्लासिकल मैकेनिक्स की बात कर रहा हूं, कैन बी नोन, अच्छी तरीके से जाना जा सकता है इफ इनिशियल कंडीशन सच एज, मान लो पोजिशन एंड फोर्स एक्ट ऑन इट आर नोन। समझ रहे कि क्लासिकल मैकेनिक्स में, मान लो किसी पार्टिकल की आपको पोजीशन पता है, एक्स ये है पोजीशन मान लो, और उस पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है वो भी आपको पता है। बस ये चीजें अगर आपको पता है तो आप उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं डी एक्स वाई डी टी, ये वेलोसिटी हो गई। और अगर हमें वेलोसिटी या स्पीड का के बारे में पता चल जाए तो फिर एक बार फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो उससे हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर, ये देखिए। और अगर एक बार हमें एक्सेलरेशन पता चल गया तो फिर हम उसका मास भी पता हो उस पार्टिकल का, फिर तो आप जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ लग जाएगा बराबर एम ए, उससे एक्सेलरेशन मास का पता चल जाएगा, या कोई दो फिजिकल क्वांटिटी अगर आपको दे रखी तो तीसरे पर पता चल जाएगी। ऐसे ही अगर मास पता है वेलोसिटी तो मोमेंटम पता कर लेंगे। मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स में ये चीज़ है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स में अगर आप एक पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करने की कोशिश करेंगे तो मोमेंटम है आप वो एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाओगे, उसमें एरर आ जाएगा। हाइजेनबर्ग ने यही कहा था कि इसमें तो हम एक चीज़ पता हो तो दूसरी चीज़ें भी एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, अगर हमें कुछ इनिशियल डाटा किसी पार्टिकल के पता हो। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ये नहीं है, यहां तो हम एक ही बात लिखेंगे 7 नंबर पे, बट इन इट, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स देर इज या देर अकर फंडा एरर इन साइमल्टेनियस मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम। टाइम की बात करें, एनर्जी एंड टाइम की बात करें वगैरह, और ये अकॉर्डिंग टू, ये जैसे मैंने पहले पॉइंट लिख भी दिया है, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जैसे आपने कहा था ना कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा इट विल बी ग्रेटर देन एच क्रॉस, ये हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। इट इज़ द एरर इन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, इट इज एरर इन द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। लेकिन ये साइमल्टेनियसली जो है हम दोनों को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, एक को एक्यूरेटली मेजर करते हैं तो दूसरे में वो एरर इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाएंगे मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको। सबसे पहले एक क्वेश्चन अगर ऑब्जर्वेबल्स पे आती है कि भाई ऑब्जर्वेबल्स होते क्या है, भाई किसी एक्चुअल एक्सपेरिमेंट, एक्चुअल मेजरमेंट, एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस की जो डाटा हमें मिलते हैं नंबर्स की फॉर्म में, उन्हें हम ऑब्जर्वेबल्स कहते हैं, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स में और क्वांटम मैकेनिक्स में अलग अलग हैं, जिनके मैंने अंतर बता दिए हैं यहाँ पे। और क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स का जब डिफरेंस की बात करें तो ऑब्जर्वेबल्स का भी जिक्र कर दें दोनों में अलग अलग, कि भाई इसमें जो मेजरमेंट्स करते हैं हम, जो ऑब्जर्वेबल्स होते हैं वो सिर्फ सिस्टम की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में वो मेजरिंग डिवाइस पर डिपेंड नहीं करते, लेकिन इसमें वो सिस्टम की तो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, लेकिन वो मेजरिंग डिवाइस पर भी डिपेंड करती है। और भी जो डिफरेंस मैंने बताए थे वन बाय वन करके, आप लेक्चर को, वीडियो को अगर पूरा नहीं देखा तो एक बार फिर से देखिए और इनको नोट कीजिए। और साथ में आपको ये भी बता दिया कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ना, ये बड़े पार्टिकल्स को डील करती है, चाहे कोई अपनी बस है, ट्रेन है, वो है, या फिर हवाई जहाज़ है,
ये तमाम। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ही माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स रहते हैं, छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनसे डील करती है। और ये सर्टेनिटी पर आधारित है, ये अनसर्टेनिटीज पर या प्रोबेबिलिटीज़ पर बेस्ड है। ये बातें आपको बताई थी। इनको मोशन की अगर हम स्टडी करते हैं तो इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को यूज करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, लेकिन यहाँ अगर किसी पार्टिकल के मोशन की हम बात करते हैं तो उसमें हम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को आधार बनाते हैं, उसको यूज करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको डिफरेंस पता चल गए होंगे। और देखिए, चाहे क्वेश्चन पूछें कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स, तो आपको वन बाय वन करके जो भी आपके ध्यान में आ रहे हैं उनको लिख दें। देखिए, पेपर का मतलब ये होता है कि अगर एक आध पॉइंट छूट जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लिखें जरूर। जितनी बातें आपको उनके बारे में पता है वो लिखिए, पूरे नंबर नहीं लेकिन कुछ नंबर आपको जरूर मिलेंगे। लेकिन जब आप ध्यान करके समझ करके पढ़ा हुआ है तो एक एक बात करके काफ़ी बातें आपको ध्यान आ जाएंगी। और बस उनको लिस्ट बना दीजिए, आपके दोनों डिफरेंस तैयार हो गए, आपका ऑब्जर्वेबल भी तैयार हो गया, और जब पेपर में लिखेंगे तो ऐसा इम्प्रेशन पड़ेगा आपके जो पेपर चेक कर रहा है कि वो आपको फुल मार्क्स देगा। और यही हमारा लक्ष्य भी है, मोटिव भी है कि आप 100% स्कोरिंग करें। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का ही है। तो आप सभी स्टूडेंट्स ने जिन्होंने अभी तक इन दोनों चैनल्स को, जो नए जुड़े गए हैं, तो उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और भाई पहले से ही हैं तो इनको लाइक और दूसरे जो स्टूडेंट्स को शेयर जरूर करें। मैं बहुत बात कहता हूं लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो नहीं मानते हैं और ना ही कमेंट्स करते हैं, अपने विचार बताते हैं। अपने उद्गार जो होते हैं दिल के, वो ज़रूर हमें एक्सप्रेस करने चाहिए, और ये माध्यम आपको मिला हुआ है। और दूसरी, शेयर करने से कुछ नहीं जाता, दूसरों का भला होता है इसमें, इससे फिर आपको भी फायदा होगा। जब हम दूसरों का भला करते हैं तो हमारा भी भला होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मैं इन सभी स्टूडेंट्स का मैं कह रहा था जिन्होंने ये किया है, पूरा लेक्चर देखा है पॉजिटिव सोच के साथ, पूरा टाइम लगा करके, मैं उन सभी स्टूडेंट्स का धन्यवाद करता हूँ। और ये चाहूँगा कि इन स्टूडेंट्स के अच्छी स्कोरिंग हो, एम इन्होंने बनाया हुआ है वो इनको ज़रूर मिले। थैंक यू वेरी मच।